बैजनाथ पहुंचे उद्योग श्रम एवं रोजगार मंत्री विक्रम सिंह ठाकुर ने कहा कि प्रदेश में सरकार के एक वर्ष के कार्यकाल में प्रदेश में 62 नए उद्योगों पर लगभग 500 करोड़ का निवेश हुआ है। इसमें 1400 लोगों को रोजगार के अवसर उपलब्ध हुए हैं। उद्योग मंत्री ने कहा कि प्रदेश में निजी क्षेत्र के निवेशकों का आमंत्रित करने के लिए 10 व 11 जून को धर्मशाला में विशाल इन्वेस्टर मीट का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें देश और विदेश के निवेशकों को आमंत्रित कर प्रदेश में निवेश करने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। उन्होंने बताया कि पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी ने प्रदेश को इंडस्ट्रियल पैकेज दिया था, जिससे प्रदेश में औद्योगिकरण शुरू हुआ था। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश के भीतरी भागों में भी औद्योगिकरण करने के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं और सभी जिलाधीशों को जमीन तलाशने के आदेश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि प्रदेश के भीतरी भागों में उपलब्ध कच्चा माल पर आधारित उद्योग प्राथमिकताओं पर स्थापित किए जाएंगे। ये जो अभी 11 महीने एक साल हमारा जो पूरा हुआ है, उसके अंदर लगभग 62 नई इंडस्ट्रीज हिमाचल प्रदेश के अंदर लगी है। कुछ इंडस्ट्रीज जो है वो नई लगी है, कुछ इंडस्ट्रीज ने एक्सपेंशन किया है, और उस सारे सिस्टम के अंदर चलते चलते लगभग हमारे ये जो 12 महीने हैं, इसके अंदर लगभग जो स्किल्ड और अनस्किल्ड वर्कर को उन सारे इंडस्ट्रीज के अंदर नौकरी मिलनी है, उनकी संख्या भी 1400 के करीब बनती है। और लेकिन आप सभी जानते हैं कि जब इंडस्ट्री सिंगल विंडो से क्लियर होती है तो उस सिंगल विंडो से क्लियर होने के बाद उसकी एस्टेब्लिशमेंट के लिए समय लगता है, लेकिन इतनी इंडस्ट्री का जो है हमारे पास क्लियरेंस हो चुकी है। अगर जैसा आप बता रहे हैं ये पहले ज़्यादा था, फिर कम हुआ, तो हम 182 है ना, ये वैसे 225, तो ठीक है, अगर वो ऐसा होगा तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ रही है, तो उसके बेरोजगारों के लिए क्या कर रही है सर? हिमाचल प्रदेश के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि जो आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमें इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था, उस एवज के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, और इंडस्ट्री के आने के कारण से हमें एक ऐसा विश्वास पैदा हुआ कि हिमाचल प्रदेश का नौजवान वहाँ पे उसको रोज़गार मिलेगा, और निश्चित तौर पे बहुत से लोगों को वहाँ रोज़गार मिला भी है। और इसके साथ साथ अब हमारी टेंडेंसी ये है कि जो हिमाचल प्रदेश का इनर पार्ट है, उस इनर पार्ट के अंदर भी इंडस्ट्री लगे, और उस इनर पार्ट के अंदर इंडस्ट्री उसी प्रकार की लगे जिस प्रकार की वहाँ पर रॉ मटेरियल हमें मिल सकता है। और इस कोशिश में हम लगातार लगे हैं, हमने सभी डीसीज को भी ये आदेश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश के इनर कोर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जमीन की तलाश की जाए, ताकि वहाँ पर उसी प्रकार के, अगर फल है तो फल पे आधारित, अगर कोई वहाँ पे किसी को कोई एग्रीकल्चर का कोई अच्छा वहाँ पे मिलता है तो उसके ऊपर आधारित हम जो है वो काम करने जा रहे हैं। भाई अगर जैसा आप बता रहे हैं कि ये पहले ज़्यादा था फिर कम हुआ, तो हम 182 है ना, ये 225, तो ठीक है, अगर वो ऐसा होगा तो उसको रेक्टिफाई किया जाएगा। बेरोजगारों की संख्या भी बढ़ रही है, तो उसके बेरोजगारों के लिए क्या कर रही है सर? हिमाचल प्रदेश के अंदर आप सब लोग जानते हैं कि जो आदरणीय स्वर्गीय श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय में हमें इंडस्ट्रियल पैकेज मिला था, उस एवज के अंदर बहुत बड़ी इंडस्ट्री हिमाचल प्रदेश के अंदर आई, और इंडस्ट्री के आने के कारण से हमें एक ऐसा विश्वास पैदा हुआ कि हिमाचल प्रदेश का नौजवान वहाँ पे उसको रोज़गार मिलेगा, और निश्चित तौर पे बहुत से लोगों को वहाँ रोज़गार मिला भी है। और इसके साथ साथ अब हमारी टेंडेंसी ये है कि जो हिमाचल प्रदेश का इनर पार्ट है, उस इनर पार्ट के अंदर भी इंडस्ट्री लगे, और उस इनर पार्ट के अंदर इंडस्ट्री उसी प्रकार की लगे जिस प्रकार की वहाँ पर रॉ मटेरियल हमें मिल सकता है। और इस कोशिश में हम लगातार लगे हैं, हमने सभी डीसीज को भी ये आदेश दिए हैं कि हिमाचल प्रदेश के इनर कोर के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जमीन की तलाश की जाए, ताकि वहाँ पर उसी प्रकार के, अगर फल है तो फल पे आधारित, अगर कोई वहाँ पे किसी को कोई एग्रीकल्चर का कोई अच्छा वहाँ पे मिलता है तो उसके ऊपर आधारित हम जो है वो काम करने जा रहे हैं।